दिल्ली के शाहीन बाग पर षड्यंत्र रचने वालों की कमी नहीं है। जी हाँ, जैसे ही आज हम वहां पर पहुंचे तो हमें पता चला कि वहां पर एक बहुत बड़ी खबर बनने के लिए इंतजार कर रही है किसी बड़े बड़े जाने माने पत्रकारों का, जिन्हें गोदी मीडिया पत्रकार भी कहते हैं। उन्हीं मीडिया के पत्रकारों ने खबर को फ्लैश कर रखा था जिसपे वहां पर एक मिले ऑटो चालक ने साफ कर दिया कि आखिरकार वो खबर क्या थी। उन्होंने साफ तौर से इल्जाम लगाया दीपक चौरसिया के ऊपर कि उन्होंने जो खबर ब्रेक करी है वो सरासर गलत है। इसकी जांच करने के लिए हम वहीं मौजूद रहे और हमने पाया कि वहां पर एम्बुलेंसों का आना जाना बेरोक टोक जारी है, जिसे हम अगले वीडियो में अब आपको दिखाने जा रहे हैं। सुनिए, आखिर कौन षड्यंत्र रच रहा है, आखिर किसकी तैयारी है, आखिर कौन ऐसे पत्रकार हैं जो अब षड्यंत्र पर उतारू हो गए। साफ हो जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी आखिर कितना है। तो देखिए ये वीडियो। जी, एम्बुलेंस तो आ रही है, जा रही है, लेकिन दीपक चौरसिया कल जो इंटरव्यू में दिखाया सारा सर गलत दिखाया। एक लेडीज को पकड़ लिया, बोला हमारा पापा मर गए, एम्स जेल ले जाने था, साइनबाग वाले जाने नहीं दिया, अपोलो में लेके गए। ये सारा सर गलत है। पूरा एम्बुलेंस का रास्ता खुला है, रात 12 बजे 24 आवर कभी भी जाइए, एम्बुलेंस लेके कहीं रुकावट नहीं है। एम्बुलेंस के लिए खुले, बिल्कुल खुले हुए हैं, इधर से भी उधर से भी हर जगह से भी खुला पड़ा है। तो ऑटो चालक की बात को सुनकर हम भी चकित रह गए थे, जैसे कि अब चकित रह जाएंगे दीपक चौरसिया और गोदी मीडिया के वो पत्रकार जो बड़े बड़े अवार्ड लेकर अपने आप को देश का और दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकार साबित करना चाहते हैं। इसी को तस्दीक करने के लिए हम रुके रहे शाहीन बाग, और शाहीन बाग का नज़ारा ये था जो आप आगे देखने जा रहे हैं, क्योंकि जो ऑटो चालक ने हमें बात कही थी उसकी तस्दीक होना अभी बाकी था। लेकिन उस तस्दीक से पहले ही हमें वहां पर वो एम्बुलेंस नजर आई और उन लोगों के दावे को धराशायी कर दिया जो लोग ये कह रहे थे कि शाहीन बाग में एम्बुलेंस का निकलना मना है। शाहीन बाग में हूँ और जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं, तो ये शाहीन बाग है जहां पर CAA और NRC के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा, एम्बुलेंस यहाँ से निकल के गई है, झंडा भी लहरा है। चलिए और लोगों से रूबरू कराते हैं आपको। तो हमारी पड़ताल के अंदर जो चीजें साबित हुई उसके बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। पड़ताल तो बहुत बड़े बड़े चैनल भी करते रहते हैं, लेकिन ये आपका चैनल है, जनपक्षधर मीडिया है, इसकी पड़ताल आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं।